नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप अपनी बॉडी में जो स्टिफनेस है उससे परेशान हैं? अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हो? क्या आपकी काफ मसल्स में स्टिफनेस है, हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्टिफनेस है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हम आज बात करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग की। फ्रेंड्स, मेरे साथ एंड तक बने रहें। मैं रमा चोपड़ा स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल मिस्टिक अवेकनिंग, माइंड बॉडी एंड सोल। इस वीडियो में हम अपने आप को तैयार करेंगे पश्चिमोत्तान आसन के लिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम पश्चिमोत्तान आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन कैसे परफेक्टली कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब उनके लिए देखेंगे जिनकी बॉडी में स्टिफनेस है या टमी फैट्स है और वो आगे डायरेक्टली स्पाइन से नहीं छूट पा रहे हैं, या तो फॉरवर्ड बेंडिंग में उनकी काफ मसल्स में स्टिफनेस है, नीज हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्टिफनेस है। बोलो कैसे करेंगे? बिगनर्स की जैसे वो लोग अगर हम लोग देखें तो पहले वो धीरे धीरे से आप नी बेंड करके भी खाली फॉरवर्ड बेंडिंग की कोशिश करेंगे। आप हिप्स एरिया से आप आगे आने की झुकने की कोशिश करेंगे, हिप से ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर दूसरे लेग से भी ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 3-4 डेज तक, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हुए नीचे जाएंगे स्पाइन से, ब्रीदिंग करते हुए ऊपर। फिर धीरे धीरे से आप हैंड्स के साथ भी करना स्टार्ट कर लेंगे और लेग्स को भी आप स्ट्रेट रख पाएंगे तो स्ट्रेट रखेंगे। आपके 3-4 डेज 5 डेज आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी बॉडी आपको बताएगी आपको कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ तक जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ब्रीदिंग करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ब्रीदिंग। इसमें आप ध्यान देंगे कि टमी को टक करके रखेंगे, पेट से आप बिल्कुल टाइट रखेंगे, हैंड्स भी आपके लिफ्टेड अप, तो आपके आर्म्स में भी स्ट्रेचिंग आ रही है, काफ मसल्स में भी, हैमस्ट्रिंग मसल्स। जैसे जैसे धीरे धीरे से आपकी स्टिफनेस कम होगी आपका फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगा। आप आगे धीरे धीरे से आप और आगे झुक पाएंगे, डे 1 से लेके आप डे 10 तक आप इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। गलती जो हम करते हैं वो है हम लोग सिर को पहले झुकाने की कोशिश करते हैं, उससे आपका बैक पेन हो सकता है और सीवियर, वो हम नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि आप हिप्स से डायरेक्ट स्पाइन से आप बेंड कर रहे हैं, हैंड्स को नीचे ले जा रहे हैं, फेस सामने, यस, धीरे से धीरे आप यहाँ तक पहुंच पाए। धीरे धीरे से जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप नीचे तक लेके आ पाएंगे। आप दुपट्टा या तो बेंड या रोप की हेल्प से हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स और नी की अच्छी सी एक्सरसाइज आगे देखेंगे। दुपट्टे को ऐसे आप पांव के तो उसके उधर से आप ले लेंगे पीठ पे और इसको खींचेंगे अपनी तरफ, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, इससे आपका काफ मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है, टोस इनवर्ड पॉइंट पे आपका काफ मसल्स में आपको अच्छा सा प्रेशर लगेगा, इवन हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब आप धीरे से रिलीज करके फिर से नीचे करेंगे, ऐसे आप रिपीट करेंगे 5 टाइम्स 10 टाइम्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक,
जितना अप्लाई सकेंगे। स्पाइन पे भी आपका इफेक्ट आ रहा है, इससे आपने स्पाइन इरेक्ट रखी है। धीरे धीरे से लीजिए, ऐसे ऊपर लीजिए, ऐसे आप कंटिन्यूस करने से आप देखेंगे थोड़े दिन पे आपके आप मसल्स, नी और हैमस्ट्रिंग मसल्स में अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी। टॉप मसल्स की एक्सरसाइज करने के बाद अब हम लोग स्पाइन को इरेक्ट करके, जो लोग पश्चिमोत्तर आसन के लिए नीचे बैठने के लिए कंफर्टेबल ना हो वो चेयर से स्टार्ट करेंगे या तो स्टूल पे बैठ के करेंगे। आप स्पाइन से ही खाली फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, आगे ब्रीथ आउट करेंगे, टमी टक ब्रीदिंग करते हुए आप पीछे आएंगे, ब्रीथ आउट, हैंड्स का भी शोल्डर मूवमेंट ये भी अच्छा, चेस्ट एक्सपैंडेड आउट, टमी टक, धीरे धीरे से जितना आप कैपेसिटी है उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसमें वो लोग ध्यान रखेंगे जिनको कोई पेट के ऑपरेशन हुए हैं, हार्ट का मेजर प्रॉब्लम है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन के लिए ट्राई नहीं करेंगे। धीरे धीरे से हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे ब्रीदिंग करते हुए हमारे हाथ ऊपर, विदाउट करते हुए टमी तक, स्पाइन से ही स्पाइन लेग हम आगे आएंगे, फेस सामने की तरफ हम देख रहे हैं, बस यहाँ तक आ रहे हैं तो आप यहाँ तक रुके, फिर ब्रीदिंग करते हुए ऊपर आए, ब्रीदाउट करते हुए फिर से, धीरे धीरे से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी आपका फॉरवर्ड बेंडिंग और अच्छा हो जाएगा। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करें, धीरे से धीरे फाइव डेज सिक्स डेज जब तक आप स्लोली एंड ग्रेजुअली करते रहें और आप टोस को टच कर पाएंगे सामने, स्पाइन इरेक्ट, काफ मसल्स पे भी अच्छा प्रेशर है आपका, हैमस्ट्रिंग मसल्स, पेल्विक मसल्स। अब आप ये पोजीशन पे रहेंगे और फिर फेस को डाउन रिलैक्स, ऐसे आप 5 टाइम्स कर सकते हैं ब्रीदिंग, स्पाइन से आगे धीरे-धीरे से आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज, जितना बेंड हो सके उतना ही हो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। अगर जिसका टमी एरिया ज्यादा है तो वो और नीचे नीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, इवन देन इट इज ओके, थोड़ा सा अगर आपने बेंड करके भी कर लिया तो भी चलेगा, ये आप अपनी बॉडी के मुताबिक ही करें। कोई भी आसन आप कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के मुताबिक करें। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पश्चिमोत्तान आसन कैसे आप जमीन पे बैठ के कर पाएंगे वो देखेंगे। सो नमस्ते फ्रॉम रमा टिल नाउ। अगर आप मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।